हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको आईबीपीएस पीओ के लिए 45 डेज की स्ट्रेटजी बताई थी, उसके रिगार्डिंग मेरा सिंप्लीफिकेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है। और इससे पहले मैंने आपको 4 से 5 लेक्चर सिंप्लीफिकेशन पे प्रोवाइड किए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमको एक्चुअल में क्वेश्चंस में कैसे करना होता है। ठीक है, हमें किसी ट्रिक से नहीं करना है, हमको एक्चुअल तरीके से करना है और हमको बस इसी कंसेप्ट पे फोकस करना है कि हमारा क्वेश्चन कितना जल्दी हो सकता है और हम कैसे कैलकुलेशंस को इजी वे में बना सकते हैं, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कैसे करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने से पहले आपको 2 से 3 चीजें बता देता हूँ कि हमको एक्चुअल में जो यूज आएंगी इसके अंदर। कहीं पे भी लिखा हो 1% ऑफ बी, ठीक है, 1% ऑफ बी ही किसके इक्विवेलेंट होता है, 20% ऑफ ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 370% ऑफ 40, ठीक है, तो इसका 370% निकालने के लिए मैं पहले ये नहीं कि 300% प्लस 70% ऑफ 40 निकालू, फिर 300% मतलब इसका 3 गुना तो 120 हो गया, फिर 70% ऑफ दिस इज 20 है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली निकालता, मैं इसको कन्वर्ट कर देता, इसको मान लीजिए 40% ऑफ 370 लिखता, तो देखिए कितना इजीली हो रहा है। 10% कितना हुआ, 37, और फिर 4 टाइम्स है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 थ्री 12 और 1 0 यहां से 120 प्लस 20, तो एक स्टेप ये मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे 15 को मान लीजिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सब जानते हैं 300। मान लीजिए 45 को मुझे 360 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर मैं इसको 45 को 90 लिख दूं और इसको 180 लिख दूं, मींस मैंने 360 को क्या किया, 180 इंटू 2 लिख दिया और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए 189 हम सबको पता है 162 और 20 और दिस इज आवर आंसर, हमको ऐसे यूज करना है। लेट्स सॉल्व विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 192 का स्क्वायर है फिर डिवाइडेड बाय 64 इनटू 24 एंड देन कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, सबसे पहले बॉटम मास का रूल जो कहता है कि डिवाइड होगा उसको सबसे पहले हमको करना है। देखिए बहुत इजी है, 192 इंटू 192 1 अपॉन 64, ये नहीं कि आप उसको 24 को भी नीचे ले आए, वो एज इट इज वही रहेगा एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 48, वो भी डिवाइड हो गया। ये देखिए ये इसका ट्वाइस हो गया, 64 3 जा, अब मैंने इसको 3 ही क्यों लिया, यही चीज समझ नहीं है। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे को 2 मिलेगा, 3 से हम करके देख लेते हैं, 6 इंटू 3 180 और 3 4 12 192, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 3 से कर दिया। ठीक है, इस 2 को 96, ठीक है, 90 90 180 और 6 और 6 12, अब 96 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 इंटू 3 270 प्लस 6 इंटू 3 80 288 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 30% ऑफ 2 बाय 7 डिवाइड इनटू 2 बाय 5 इनटू 2 बाय 9 इनटू 2 बाय 3 ऑफ 3450। सबसे पहले हमको देखिए कि ये जो नया मल्टीपल है, बड़ा वाला नंबर, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हम 5 से कट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 3 जा 15 होता है, अगर ये 15 से भी कैंसिल तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 45 3 जा 60, 63 दिखते ही हमको पता लगना चाहिए कि 7 into 9 एक साथ 63 होता है, यानी कि 7 को मैं एक बार काटूंगा फिर एक बार यू गेट 10। ठीक है, अब देखिए 30% ऑफ 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 30 आएगा और 16 आएगा, 16 थ्री कितना होता है 48, और 48 इज आवर आंसर। इसमें मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि 480 आंसर आएगा या 4.8 आएगा, ऑप्शन में ऐसे आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, तो डायरेक्टली हमको 48 करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एनालाइज कीजिए कि उसके ऑप्शंस कैसे हैं, जैसे इसमें 2 6 2 8 2, यहां पे 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट सेम है या डिफरेंट है, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहां पे 4 8 8 2 8 यहां पे भी डिफरेंट था, लेकिन
जब आंसर हमारा आया था, ये देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वी कुड हैव सेव दिस। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 8 आएगा, 8 का अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम उसको टिक कर देते, ठीक है। यहां पे भी ये 16 और ये 3, 3 6 का 48, 8 एक ही ऑप्शन में है, हमने इसको टिक कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, 1/1024 1/343 टू द पावर, ये दिया हुआ है। ये ध्यान रखिए यहां पे जब भी ऐसे रखे तो बिल कट करना होता है लास्ट में, ऑप्शन जरूर वो देगा, ठीक है। अब 1024 है, माइनस है यहां पे तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसको 1024 मींस मैं 2 टू द पावर 10 लिख दूं, ठीक है। याद रखिए कुछ 2 टू द 9 होता है 10512, 2 टू द पावर 10 इज 1024, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2/5 प्लस 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 49 यहां से आ गया, ये ट्वाइस 2 टू द पावर 4 हो गया तो 16, ये कितना है 65। अब देखिए लास्ट में तो 5 और है तो 13 5 = 65, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते इधर 60 में, मान लो कोई नंबर ऐसा होता जो ये तो कट गया, हमको डायरेक्टली याद है, कुछ नंबर ऐसा होता जो हमको याद नहीं होता, लेकिन यहां पे हमको पता है कि 5 है लास्ट में, और 5 को मैं किस किस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो या तो 1 होना चाहिए था या 3, ऑप्शंस उसमें से देख लेते हैं कि 1 होगा या 3 होगा, ठीक है। ये सब सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये एक्चुअल तरीका है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 3.5% ऑफ 40 प्लस 3.5% ऑफ 80 इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ 10। देखिए 3.5% भी इधर है और इधर भी 3.5% है, तो इन दोनों को मैं सेम ही है, मतलब इन दोनों का यहां पे भी एडिशन हो रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो 3.5% ऑफ 40 प्लस 80, तो ये 120 हो गया, ठीक है। इसका 2 इसको ले दिया, इसको 60 इंटू 2 लिखा और ये 7 हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ 10। ये देखिए ये परसेंटेज तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 अपॉन सब कैंसिल हो जाएगा, ये 6 जा हो गया, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 42 इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के लिए लिया है मैंने, देखिए 1, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 7/9, ठीक है। इसका मतलब 7/9 को अगर मैं पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, 9 6 = 54, 9 7 = 63, फिर 7.777, तो ये आंसर कितना आएगा, 1.77 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो 7/9 है इसको हम अलग कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1, और इसको क्या लिख दिया 0.777, तो इसको ऐसे ही करना है, ये नहीं कि हम इसको पूरा सॉल्व कर लें, जैसे इसको हमने ऐसे कर दिया। अगर मैं सबको सॉल्व करूंगा, 9 × 9 = 16/9 + 2 × 3 = 6 or 5 = 11/3 3 × 9 = 27 + 28/9 - 4 × 20 = 21/5, ये सॉल्व करने के लिए हमारे कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे नहीं करना है। जो भी प्लस वाले हो आप उनको अलग कर लीजिए और फिर माइनस वाले हो उनको अलग कर, जैसे इसको क्या लिखेंगे, 1 + 7 + 9 हो गया, ये जो 2 5/3 है इसको मैंने 2 + 5/3 लिख दिया, +3 + 1/9 लिख दिया, -4 - 1/5। अब देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 or 2 3 3 + 3 6 6 - 4 = 2। अब पीछे हमारे पास जो बचा उसको अलग लिख लीजिए, 7/9 + 5/3 + 1/9 - 1/5, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेने का एक्चुअल तरीका थोड़ा सा सीखिए, ये 9 की सब मल्टीपल है, मैंने इसको क्या किया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये भी 9 हो गया, डायरेक्टली इनके एलसीएम लेके लिख लिया, 7 और 15 हो गए 22 और 1 23, ठीक है। अब ये नहीं कि हम इसको एलसीएम लेने लग जाएं, ये देखिए 23/9 को क्या लिख सकते हैं, 9 2 = 18 और 5 -1/5 और ये 2 है, ऐसे ब्रेक करना होता है इसको तभी हमारा आंसर जल्दी आएगा। 2 और 2 4 हो गया,
5 by 9 minus 5, 5 is 25 minus 19, 16 by 45. And this is our answer. 6th question. 38% of 4500 equals to 25% of something equals to 1640. देखिए 38 है यहां पे और 45 है. मैंने इसको 19 into 2 लिख दिया और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा 9000 मल्टीप्लाइड बाय 18 बाय 100 सॉरी 19 बाय 100 199 या 171 सबको पता है. अभी देखिए ये 25% इसका मतलब क्या है 1 by 4th of something ये इधर जाएगा तो 70 और ये 4 और तो 70 into 4 280 is our answer. ठीक है now moving on to 7th question 7921 divided by 178 minus 5.5 equals to root. सबसे पहले यहाँ पे root हो रहा है ना square root दिया है इसका मतलब जो भी इसमें से answer होगा that will be a स्क्वायर रूट. ठीक है किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर रूट होना चाहिए. एक तो स्क्वायर रूट 1521 ही है इनमें से या तो हम डायरेक्टली ऑप्शन ऐसे टिक कर सकते हैं और मेथड इसका देखिए 178 को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है. अब जो डिवीजन हम देखते हैं 17 4 जा कितना होता है 68 और 17 5 जा 85 मींस जो मेरा पहला मैं कट करूंगा वो 4 से ही करना पड़ेगा मुझे अदरवाइज वो 85 को क्रॉस कर जाएगा तो 17 4 जा 680 172 और 8 4 जा 32 मींस 712 हुआ. ठीक है 712 हुआ यहां से कितना बचा 80801 फिर से 7 4 जा 17 4 जा ये कर लिए तो 712 वापस हो गया और वो कितना था 801. ठीक है 712 माइनस 801 दैट इज इक्वल्स टू 89 और 89 इसका क्या है हाफ तो 44.5 यानी कि हम वापस 89 को भी 5 टाइम्स काटते हैं तो 17 8 से फिर 0 लेते फिर 5 चल तो 44 पर पड़ ये देख ये 0.5 इससे कैंसिल कर 44 माइनस 5 इज 39 और 39 का स्क्वायर हमारा आंसर है. ठीक है 39 स्क्वायर इज 1521. ठीक है 39 का स्क्वायर स्क्वायर वाले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है आप उसको जरूर देखिए. नाउ मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन 57 by 67 into 32 by 171 into 45 by 128 is equals to what? 57 is 7 है और यहाँ पे 3 1 है तो means 3 times हो रहा है 57 3 जा 32 4 जा 3 into 15 मतलब 15 वाला ऑप्शन होगा ये तो होगा ही नहीं. ठीक है अब देखिए 67 into 4 60 into 4 240 और 7 into 4 28 तो 240 plus 28 15 upon 268. अब यहां पे अलग-अलग दे रहा हो सकता है इस 171 को इसने यहां लिख दिया होता तो भी हमको पूरा एक साथ व्यू करना है कि कहां पे कट रहा है. ठीक है ये हमारा आंसर है. अब देखिए 9th और 10th क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको जल्दी कैसे करना है मैं इस तरफ करके बताता हूं 25639 minus 5252 माइनस 3252 इक्वल्स टू व्हाट. देखिए अगर आप मेथड वाइज करेंगे 25639 5252 3252 तो आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं करना. ठीक है देखिए ये मेरे लिए क्या लिखा हुआ है 2500 प्लस 600 प्लस 39 ये क्या लिखा है 5252 ये लिखा है 3000 प्लस 200 प्लस 52 ये माइनस क्या है. देखिए 25 माइनस 5 20 20 माइनस 3 17000 600 माइनस 200 400 400 माइनस 200 200 तो प्लस का 200 बचा ये कितना हो गया 104 और ये हुआ 39 तो 104 माइनस 39 करेंगे तो 65 हो गया माइनस का तो ये 17135 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है 135 इज द करेक्ट आंसर. कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे आपका कभी गलत नहीं होगा. अब ये तो मैंने आपको लिख के क्या एक्चुअल में तो लिख के भी नहीं करना एक्चुअल में कैसे करना वो देखिए ये 25 है 25000 हो या 25 तो मुझे क्या फर्क पड़ना है
25 में से 5 गया 20, 20 माइनस 30 गया 17, ठीक है। अब हमको पता है कि 3 जीरो है, मैंने 17 लिख दिया, 600 माइनस 200 400, 400 माइनस 200 200, इसी को ही चेंज करना है 200, ये 3952, ये कितना हो गया 104, तो 39 माइनस 104, तो 104 माइनस 39 करूं या 39 माइनस 104, बात एक ही है। अब देखिए इससे माइनस करेंगे तो दिक्कत है, ये देखिए इसको ऐसे देखिए, ये 39 है, ये 100 है और ये 104 है, इसका डिफरेंस कितना है 61 और इधर कितना डिफरेंस है 4, तो 65, अब माइनस 65 है इसमें से कम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 16896 प्लस 4378 माइनस 2769, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए ये 16 है प्लस 4 20, 20 माइनस 2 18, ये 896 है और ये 378 है सर, तो 800 प्लस 1100 माइनस 700 तो 4 हो गया प्लस 400, ये 96 है, ये 78 है, 69 है। अब ये नहीं अपन ऐड करें 160 और 174 माइनस, ऐसे नहीं, ये देखिए ये 69 है और इससे कितना ज्यादा है 9, 9 और 96 कितना हो गया 105, 105 और ऐड कर दिया तो 18,505 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे सिंप्लीफिकेशन सीरीज का 6th लेक्चर, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इसके बाद मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस का एक सेशन लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम 3 से 4 दिन बाद डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कैसलेट डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।